हाँ तो चलिए आज देखते हैं हम कि समरी है क्या, व्हाट इज समरी, और इसमें हम किस तरह से काम करेंगे। हमारे बोर्ड में समरी को, हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 समरी राइटिंग है, जिसमें आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। 1 मार्क्स फॉर कवरिंग ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, 1 मार्क्स फॉर लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी, 1 मार्क्स फॉर ग्राम। ऐसे टोटल मार्क्स 3 दिए जाएंगे। डिवीजन किसी भी तरह का हो, हमको कंसंट्रेट करना है कि एक्चुअली हमको करना क्या है। हमको एक पैसेज का ब्रीफ निकालना है कि किस तरह से उसको हम पूरे पॉइंट कवर करते हुए छोटा कर दे, जितने भी अननेसेसरी वर्ड है उसमें से निकाल बाहर कर। मैं एक छोटी सी डिफिनेशन, या क्योंकि ये एक व्हाट इज समरी एक पैसेज है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर आपको एक बेटर आइडिया उसमें आ जाएगा एक्चुअली व्हाट इज समरी। चलो देखते हैं। द एक्सट्रैक्ट ऑफ समराइजेशन कुड बी अ पीस ऑफ राइटिंग, अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, अ चैप्टर, अ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ लेक्चर, और इवन अ कंप्लीट बुक। ये आपके लिए समरी का मटेरियल हो सकता है, कि एक एक्सट्रैक्ट हो सकता है, एक पीस ऑफ राइटिंग बोले तो कहीं से भी वो पीस लिया जाएगा। ये अनसीन पैसेज होगा आपके लिए, ये किसी न्यूज़पेपर में से कोई आर्टिकल हो सकता है, किसी लेक्चर का ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, और इवन अ कंप्लीट बुक। तो खैर कंप्लीट बुक तो आपको नहीं दी जाएगी, समरी के लिए आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा। तकरीबन वो होगा 275 से 300 वर्ड्स के करीब, आमतौर पर जो होता है वो दिया जाए। समराइजिंग टीचेस अस हाउ टू रिवोक अननेसेसरी और रिडंडेंट वर्ड, यूजलेस एंड रिडंडेंट मतलब जिसकी जरूरत नहीं है हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने, फिर भी हम उसको इस्तेमाल कर, चाहे एलिब्रेट करने के लिए। तो ऐसे तमाम वर्ड जो अननेसेसरी करार दिए जाते हैं एज फार एज समरी इज कंसर्न, तो उसको निकाल देना, ऐसा सिखाती है। यहाँ देखो, समराइजिंग टीचेज अस हाउ टू रिवोक यूजलेस एंड रिडंडेंट वर्ड्स विदाउट मिसिंग आउट द की सेंटेंसेस। मतलब समराइजिंग वो प्रोसेस है जो हमको ये सिखाता है कि किस तरह से यूजलेस और रिडंडेंट वर्ड को हम निकाल बाहर करें विदाउट मिसिंग मेन पॉइंट। मेन पॉइंट्स आपको नहीं निकालने हैं, की पॉइंट्स आपको नहीं निकल, मतलब आपको क्या करना है आगे, एग्जाम्पल्स, कोटेशन, इंफॉर्मेशन गिवन और विद इन द ब्रैकेट्स, रिपीटेशन एंड फिगरेटिव लैंग्वेज मस्ट बी ओमिटेड। मतलब ये जो भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि समरी में किसी चीज को, पैसेज में किसी चीज को समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तो वो मेन पॉइंट को समझाने के लिए होते हैं। तो हमने अगर एक बार मेन पॉइंट्स निकाल लिए तो हमको एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं। इन्फॉर्मेशन गिवन इन द ब्रैकेट्स, मतलब कभी ऐसा होता है कि किसी वर्ड को समझाने के लिए ब्रैकेट में उसको समझाया जाता है, तो वो भी हमको समरी में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। रिपीटेशन, किसी चीज का रिपीटेशन हो रहा है, चाहे सेंटेंस हो, चाहे वर्ड हो, चाहे इन्फॉर्मेशन हो, अगर वो रिपीट होता है तो उसको भी हमको क्या करना है, निकाल दे, समरी से निकाल दे। फिगरेटिव लैंग्वेज, किसी को बहुत फ्लरिश अंदाज में कहा गया है, फैक्ट्स बहुत छोटा सा है लेकिन उसको घुमाकर बहुत अच्छी लैंग्वेज में अगर बताया गया है, तो उसको भी हमको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करके बताना होगा। तो तमाम चीजों को निकाल देना पड़ेगा। समराइजिंग टीचेस अस हाउ टू रियोक द यूजलेस एंड रिडंडेंट वर्ड्स विदाउट मिसिंग आउट द की इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल्स, कोटेशन, इंफॉर्मेशन रिटन इन द ब्रैकेट, रिपीटेशन एंड figurative language must be omitted. You must take care that the key information must not be omitted. Likewise, you must not add related ideas or comments of your own. And most important, summary must be written in your own words in a simple manner, maintaining clarity of thought. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके अपने अल्फाज में इसको लिखा जाना चाहिए, और जहां तक के सेंटेंस का ताल्लुक है, आपके सेंटेंस जो है वो सिंपल होने चाहिए। इस बात का ख्याल रखते हुए लिखना चाहिए कि हमारे थॉट्स जो है, जिसको हम समझा रहे हैं, उसको
क्लियर हो जाए, मतलब कोई पेचीदगी हमारे जुमलों में रहना नहीं चाहिए, इस बात का ख्याल रखते हुए हमको तमाम चीजें लिखना हो। तो आइए देखते हैं कि समरी करते वक्त हमको किस बात का ध्यान रखना होगा, मीन्स डूज क्या है समरी राइटिंग, डूज ऑफ समरी राइटिंग। नंबर वन, रीड एंड री रीड द गिवन पैसेज, जो एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाएगा उसको क्या करना है आपने पढ़ना है और दोबारा पढ़ना। पहले क्वेश्चन भी अगर उसके पढ़ ले तो आप ज्यादा आसानी से उसके समरी पॉइंट आपके समझ में आ सकते हैं और आंसर निकल सकते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर पैसेज पढ़ो, फिर दोबारा उसको पढ़ो, तो पूरा अंडरस्टैंडिंग आई जाती है। सेकेंड पॉइंट होगा अंडरस्टैंड थरली, पूरी तरह से उस मैटर को समझना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा कि किस बात की हमको समरी करनी है, टॉपिक जो की इंफॉर्मेशन है वो उसमें से हमको निकालना। फिर थर्ड पॉइंट होगा रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है क्वेश्चन के तहत उसको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। फाइंड एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू समराइज, हमको ढूंढ निकालना होगा वो तमाम चीजें जिसको हमको समराइज करना। आइडेंटिफाई द की इंफॉर्मेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, क्या आपको पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा द की इंफॉर्मेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। किससे क्वेश्चन करोगे आप एक ऐसा प्रोसेस अपनाओगे कि आप अपने दिमाग से ही बात करोगे पैसेज पढ़ते वक्त कि किस तरह के कीवर्ड इसमें हो। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथ, हमारे दिमाग में हमको क्वेश्चन बनाने हैं बार बार कि भाई इसमें की क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, की इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, उसके जवाब जब आपके जहन में आए तो आप उसको क्या करोगे लिखोगे। कैसे लिखोगे, छोटा पॉइंट देखो, फ्रेम शॉर्ट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, आपको अपने खुद के कैसे सेंटेंस बनाने हैं, शॉर्ट सेंटेंस बनाने। सातवां आप ले सकते हो, सेवन पॉइंट, कनेक्ट योर सेंटेंसेस इन अ लॉजिकल मैनर, मतलब जिस तरह का कहानी जिस तरह का इंफॉर्मेशन बन रहा है वन बाय वन लॉजिकली आपको क्या करना है जोड़ना है विद अ कोहेसिव डिवाइस। कोहेसिव डिवाइस मतलब आपको प्रॉपर कंजंक्शंस और प्रॉपर सेंस का इस्तेमाल करते हुए उसको एक कहानी की तरह लिखना पड़ेगा कि पैसेज की जितने भी थॉट्स है पॉइंट्स है की इंफॉर्मेशन है वो क्लियर होके सामने आ जाए। आठवां पॉइंट आपका हो सकता है, एट पॉइंट, रिमूव रिडंडेंट वर्ड्स, अननेसेसरी वर्ड्स जितने भी है जिसका हमारे की इंफॉर्मेशन पर कोई असर नहीं पड़ता है ऐसे तमाम वर्ड्स को रिडंडेंट वर्ड्स कहेंगे हम और उसको क्या करेंगे हम निकाल दें। आमतौर पे जो एडजेक्टिव होते हैं अगर वो हमारे की वर्ड्स पर असर ना डाले तो आप ऐसे एडजेक्टिव्स को भी निकाल सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो इसमें है वो है अवॉइड योर ओन इंटरप्रिटेशन, मतलब आपका अपनी समझ को उसके ऊपर नहीं थोपना चाहिए। इंटरप्रिटेशन मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन करना, यहाँ मतलब अपने मानी अखज़ नहीं करना है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको समरी को छोटा करना है ना कि उसकी तशरी करनी। तो साथ ही साथ हम देखते हैं इसके डोंट्स, क्या हमको नहीं करना है। चलो देखते हैं डोंट्स ऑफ समरी राइटिंग, मतलब समरी राइटिंग के दौरान हमको क्या नहीं करने। डोंट इंक्लूड योर ओन ओपिनियन, मतलब आपके अगर कोई ओपिनियंस बनते हैं रीडिंग के दौरान तो उसको समरी में मेंशन नहीं करना चाहिए। डोंट इंक्लूड, डोंट एक्सक्लूड मेन आइडिया एंड नेसेसरी पॉइंट, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, निकाल बाहर नहीं करना चाहिए किसको, मेन आइडिया को और नेसेसरी पॉइंट्स को, मतलब जो एसेंशियल है तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। डोंट ऐड एग्जांपल, किसी चीज को समझाने के लिए अपने खुद के एग्जांपल्स को नहीं देना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर फोर, डोंट कमेंट ऑन द टॉपिक, जो भी टॉपिक चल रहा है जिस बात को आप समझ रहे हैं उसके ऊपर अपने कमेंट्स नहीं करने चाहिए, हमको किसी चीज की तशरी नहीं करनी। अब एग्जांपल की मदद से उसको हम देखते हैं कि किस तरह से
हम इस समरी को करेंगे. नाउ लुक एट द समरी पैसेज.